हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल का सेशन 3। इस चैप्टर में हम लोगों ने न्यूट्रिशन इन सिंपलर एनिमल्स लाइक अमीबा के बारे में देखा था। अमीबा में जो न्यूट्रिशन के सारे स्टेप्स होते थे उन चीजों को हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। उसके बाद में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के डिफरेंट ऑर्गन्स के बारे में हम लोगों ने इंट्रोड्यूस हुआ था। और इसमें जो ह्यूमन एलिमेंट्रीकरण का सबसे पहला ऑर्गन आता है वो आता है हमारा माउथ कैविटी। तो इस टॉपिक में हम लोग को बहुत सारे चीज पढ़ने हैं, जैसे माउथ कैविटी पढ़ना है, क्या है वो, सैलिवरी ग्लैंड पढ़ना है, ये कैसे हेल्प करता है हमारे डाइजेशन में, उसके बाद टंग, टीथ, इट्स साइज, टूथ डीके, हाइजीनोटिक, ये सारे के सारे टॉपिक्स आज हम लोग को इसी क्लास में कवर करनी है। तो सबसे पहला आइए हम लोग देखते हैं माउथ कैविटी। माउथ कैविटी क्या है? माउथ कैविटी हमारे एलिमेंट्री कैनल की शुरुआत है। माउथ कैविटी एक कैविटी है, इसको बकल कैविटी के नाम से भी जानते हैं। एक कैविटी है यानी कि एक तरह का यह गुफा है जिसमें फूड को डाला जाता है, फूड को डाला जाता है। बस माउथ कैविटी सिंपल वर्ड एक कैविटी है, एक ओपनिंग है जिसमें फूड को डाल दिया जाता है। अब इस माउथ कैविटी में जो हमारा टंग होता है और टीथ होता है उनका काम उस फूड का प्रोसेस करना होता है। जैसे टंग है तो टंग उस फूड को मिक्स करता है सलाइवा के साथ। सलाइवा एक सब्सटेंस है जो हमारे नेक के पास, थ्रोट के पास, सैलिवरी ग्लैंड, 3 pair ऑफ सैलिवरी ग्लैंड से छोड़े जाते हैं। वो सलाइवा उस फूड को सॉफ्ट करता है और टंग उस सलाइवा को उस फूड में मिक्स करता है। जब फूड हमारा माउथ कैविटी में ले लिया जाता है तो टंग के हेल्प से सलाइवा उसके साथ मिक्स करके उस फूड को सॉफ्ट बनाया जाता है। अब रही बात टीथ की, टीथ क्या काम करता है? तो जो भी भोजन हम माउथ के अंदर लेते हैं टीथ उसको छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ता है, यानी कि बड़े बड़े फूड के जो पीसेज हैं उनको क्रश करके स्मॉलर पीसेज में चेंज कर देता है टीथ। टीथ डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसा कि आपने पिछले क्लास में भी पढ़ा होगा। तो सबसे पहले टीथ से पढ़ने से पहले हम लोग टंग के बारे में थोड़ा सा जान लें। टंग क्या है? टंग इज अ मस्कुलर ऑर्गन दैट इज प्रेजेंट इन आवर माउथ। टंग हेल्प्स टू टेस्ट द फूड, फूड का जो टेस्ट होता है, टंग हेल्प्स टू टेस्ट द फूड वेदर इट इज स्वीट, सावर, बीटर और सॉल्टी। फूड कैसा है, स्वीट है, सावर है, बीटर है और सॉल्टी है, ये सारे के सारे जो टेस्ट होते हैं ये सारे के सारे टेस्ट हमारे टंग के द्वारा ही बताए जाते हैं। टंग के अलग अलग पोर्शन होते हैं, जो ऐसा पहले बताया जाता था, अभी नए खोज के अनुसार कुछ दूसरा ही बात सामने आया है। पहले की बात थी कि टंग के अलग अलग हिस्से अलग अलग तरह के टेस्ट लेते थे। जैसे पहले के समय में टंग का हमारा जो सबसे पीछे का हिस्सा था, जो थ्रोट के पास वाला हिस्सा, ऐसा कहा जाता था पहले कि वो सिर्फ और सिर्फ बिटर टेस्ट लेता था। फिर उसके जस्ट आगे, टंग के उसके आगे, मतलब कि थ्रोट के पास जो सावर टेस्ट लेता था उसके जस्ट आगे वाला जो टंग का हिस्सा था वो सावर टेस्ट लेता था। थ्रोट के पास वाला बीटर लेता था, उसके आगे वाला सावर लेता था और उसके आगे वाला सॉल्टी टेस्ट लेता था। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको हम टंग का एक सिंपल पिक्चर बना के दिखाते हैं। ये हिस्सा जो है ये थ्रोट के पास है और ये सबसे प्रॉन पार्ट है, प्रॉन पार्ट। इस टंग में होते क्या है, आखिर टेस्ट यह टंग कैसे लेता है, हाउ
तो इसमें होता है क्या कि छोटे 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 टेस्ट बर्ड्स होते हैं, स्मॉल स्मॉल बोल्स होते हैं, टेस्ट बर्ड्स होते हैं, और वही टेस्ट बर्ड फूड के डिफरेंट टेस्ट को पता करता है। तो पहले ऐसा बताया जा रहा था कि टंग का एक सबसे पिछला हिस्सा जो था वो बीटर टेस्ट लेता था, उसके जस्ट बाद वाला हिस्सा उस पोर्शन इसका था ये सावर टेस्ट लेता था, उसके आगे वाला जो था ये सॉल्टी को बताता था, और सबसे आगे वाला था वो स्वीट को बताता था। लेकिन नए खोज के अनुसार ऐसा पता चला है कि टंग के पूरे पोर्शन में जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं उसमें से सारे के सारे हर तरह के टेस्ट को बता सकते हैं। ये पहले की बात थी, लेकिन अब नए जो खोज के आधार पर यह पता चला है कि टंग में जितने भी टेस्ट बर्ड्स होते हैं उसमें से हर हिस्से का टेस्ट बर्ड हर तरह के टेस्ट को बता सकता था। ये टंग की बात है। माउथ, हमारे माउथ के रीजन के भीतर यह टंग भी एक ऑर्गन है, जिस जो टंग एक फ्लेशी ऑर्गन है। टंग का एक और काम होता है, टंग टेस्ट को बताने के साथ साथ यह बोलने में भी हेल्प करता है। विदाउट टंग वी कैन नॉट स्पीक क्लियरली, यानी कि टंग हमें क्लियर बोलने में भी हेल्प करता है, साथ ही साथ यह टेस्ट को भी बताता है। चलिए इसके बाद में हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं, टीथ। टीथ क्या है? टीथ तो सभी आप भी जानते हैं। टीथ क्या है? टीथ हमारे माउथ के अंदर पाया जाने वाला यह एक हार्ड ऑर्गन है, और यह टीथ हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। टीथ की मदद से हम लोग क्या क्या काम करते हैं, तो जैसा आपने पीछे के क्लास में भी पढ़ा होगा कि टीथ जनरली दो तरह के होते हैं। हमारे लाइफ स्पैन में दो सेट्स ऑफ टीथ आते हैं। टीथ हमारे लाइफ स्पैन में दो सेट आते हैं। एक सेट होता है जो जन्म से लेकर के 6-7 साल तक रहता है, 8 साल तक रहता है, वो फर्स्ट सेट ऑफ टीथ होता है, जिसे हम लोग मिल्क टीथ कहते हैं। इसकी संख्या लगभग लगभग 20 के आसपास होती है। जब मिल्क टीथ 6-7 साल के बाद में टूटना शुरू होता है तो उसके जगह पे परमानेंट टीथ उग करके आ जाता है, जो अनदर सेट ऑफ टीथ आता है, और परमानेंट टीथ की टोटल संख्या 32 होती है, जो आपको एक आज के पीडीएफ में आपको मिलेगा कि कितने टीथ होते हैं। और हमारे ईच जॉ में, यानी ऊपर के जबड़े और नीचे के जबड़े में कितने कितने टीथ होते हैं, कौन कौन टाइप के टीथ होते हैं, इन सभी का पीडीएफ आपको मिलेगा। आप उसमें देख करके समझेंगे, फिर प्रॉब्लम होगा तो आप अपने डाउट क्लास में इसका सोल्यूशन लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे टीथ। टीथ एक हार्ड ऑर्गन है जो हमारे माउथ के अपर जॉ और नीचे जॉ में पाया जाता है। अपर जॉ में जितने टीथ होते हैं उतने ही टीथ हमारे निचले जॉ में भी होते हैं, और इसमें दो सेट्स होते हैं हमारे लाइफ स्पैन में टीथ के। एक होता है मिल्क टीथ जो बच्चों में पाया जाता है, लगभग 8 साल तक के बच्चों में मिल्क टीथ पाया जाता है। उसके बाद जो फर्स्ट ये टीथ टूटता है तो वो रिप्लेस हो जाता है परमानेंट टीथ के द्वारा, परमानेंट टीथ के द्वारा। और मिल्क टीथ हो या परमानेंट टीथ हो, इन दोनों टीथ का काम है फूड को काटना, कटिंग, टियरिंग एंड क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, ये चार काम है इसके। मतलब भोजन को काटना, भोजन को टियर करना, चीरना, भोजन को क्रश करना यानी ब्रेक करना, और एट लास्ट उसको पीसना। ये अलग अलग काम है हमारे इस टीथ का। अब आप मुझे बताइए, हमारे टीथ का ये अलग अलग काम है, तो ये अलग अलग काम क्या हमारे माउथ के अंदर पाए जाने वाले सारे टीथ करते हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे माउथ में ये चार फंक्शन करने के लिए चार टाइप के, फोर टाइप्स के टीथ होते हैं। सबसे पहला टीथ का टाइप होता है, वो होता है कैनीज, टाइप ऑफ टीथ। टीथ के बाद हम लोग करते हैं टाइप, टाइप ऑफ टीथ। इसमें फोर टाइप्स के टीथ होते हैं। एक होता है कैनीज, दूसरा होता है इंसीजन,
इंसीजर, तीसरा होता है प्री मोलर और चौथा होता है मोलर। ये चार तरह के टीथ हमारे माउथ में पाए जाते हैं। अब इस चार तरह के टीथ के अरेंजमेंट जो होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं। जैसे हम किसी एक जॉ की बात करते हैं, ये मान लेते हैं ऊपर का जबड़ा है, तो इस ऊपर के जबड़े में यहां पे सामने में चार टीथ होते हैं। इन चारों टीथ को कहा जाता है इंसीजर, इंसीजर और कटिंग टीथ। इन चारों टीथ को कहा जाता है इंसीजर और कटिंग टीथ। ईच जॉ में अपर जॉ और नीचे जॉ सब सामने सामने होते हैं, यानी कि चार नीचे लोअर जॉ में भी होते हैं और चार अपर जॉ में होते हैं, टोटल मिलाकर के एट होते हैं इंसीजर्स। इंसीजर्स का काम है, इन्हें नाम से ही पता चल जा रहा है, इंसीजर का कटिंग टीथ, यानी कि फूड को काटना, जो हम भोजन माउथ में लेते हैं तो उस भोजन को काटने में यह हमारी मदद करता है, ये सबसे तेज होता है। इस इंसीजर के जस्ट बगल में एक नुकीला टाइप का टीथ होता है, इसे कहा जाता है कैनीज, कोई आदमी के राइन में बढ़ सकते हैं, इसको टियरिंग टीथ कहा जाता है, टियरिंग टीथ। इसका काम है, मतलब ये भी कैनीज हो गया और ये भी हो गया, इसका काम है क्या करना, टियरिंग टीथ कहलाता है। तो नाम से पता चला टियरिंग का मतलब चीर फाड़ करने वाले, यानी जैसे ये ज्यादातर कार्निवोरस एनिमल में पाए जाते हैं, वैसे हम लोग तो ओमनिवोरस है, हम लोगों में भी यह पाया जाता है, नुकीला होता है यह, क्यों, क्योंकि कार्निवोरस को फ्लेश खाना होता है, तो मांस को चीरने के लिए यह होता है। हम लोग भी बहुत सारे भोजन ऐसा होता है, जैसे हम लोग गन्ना खाते हैं, गन्ना सॉलिड गन्ना, तो उसको हम लोग पहले चीरते हैं फिर उसका रस चूसते हैं, तो वो टियरिंग टीथ का काम है, कैनीज का काम है। इस कैनीज के बारे में बाद में टोटल थ्री टीथ होते हैं, इधर भी और थ्री टीथ यहां पे भी। इन तीनों को कहा जाता है प्रीमोलर्स, प्रीमोलर्स, एक्चुअली इनका नाम मोलर ही है, ये तीनों जो होते हैं एक्चुअली इनको मोलर ही कहा जाता है, लेकिन ये मोलर से जस्ट पहले आते हैं इसीलिए इनका नाम है प्रीमोलर। क्या नाम है इनका, प्रीमोलर, प्रीमोलर ये क्रशिंग टीथ है, CRUSHING, क्रशिंग टीथ, प्रीमोलर्स आर आल्सो नोन एज क्रशिंग टीथ। इनका काम है क्रश करना। चलिए उस साइड में नहीं दिख रहा होगा, यहां पे दिखा देते हैं प्रीमोलर्स और क्रशिंग, क्रशिंग टीथ, प्रीमोलर्स या क्रशिंग टीथ इसका दूसरा नाम है। प्री का मतलब पहले होता है और मोलर्स मींस मोलर, जैसा कि मोलर के बारे में आप जानते हैं या नहीं जानते अभी बताएंगे। इनका काम है फूड को क्रश करना, यानी कि दबा करके और क्रैक कर देना, तोड़ देना। फिर इस प्रीमोलर के जस्ट लास्ट में आता है, जो काफी चौड़ा चौड़ा होता है, दो टीथ होता है, मतलब एक साइड दो दूसरे साइड भी दो, टोटल मिला के चार हो गया, इसे कहा जाता है मोलर। इसको ग्राइंडिंग टीथ कहते हैं, ग्राइंडिंग टीथ, ये दोनों तरफ होता है, ग्राइंडिंग टीथ। इसका दूसरा नाम है मोलर, मोलर और ग्राइंडिंग टीथ। इनकी संख्या टोटल कितनी होती है, 2+2, 4, दैट मीन्स 4 इन ईच जॉ। प्री मोलर्स की संख्या कितनी होती है, 3+3, 6, 3+3, 6, दैट मीन्स 6 इन ईच जॉ। कैनाइंस की संख्या कितनी होती है, 2, 1 and 1, 2, इसकी संख्या होती है 2, 2 इन ईच जॉ, एंड इंसीजर्स 4 इन ईच जॉ। सबकी संख्या अलग अलग होती है, हर जबड़े में ऊपर में जितनी होती है उतनी ही संख्या नीचे में भी होती है। अब रही बात, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा
टाइप्स ऑफ टीथ हम लोग वैसे पिछले क्लास में पढ़े होंगे किस टाइप के होते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग जब एक्सप्लेन किए तो देख लेते हैं। इंसीजर ये काफी तेज होता है, इसको कटिंग टीथ कहा जाता है क्योंकि यह भोजन को काटने के काम आता है। सेकेंड केनाइंस ये नुकीला होता है, यानी कि इसको टीयर करने के लिए यूज किया जाता है, चीरने के लिए यूज किया जाता है किसी चीज को। उसके बाद आता है प्रीमोलर का सेट। प्रीमोलर जो होता है वो चौड़ा होता है और फुट को या अपने ऊपर रख करके तोड़ता है। उसके बाद आता है मोलर्स। मोलर्स का काम है ये काफी चौड़ा होता है, फ्लैट होता है या पीसने के काम आता है। इस तरह से हम लोगों ने देखा टीथ के अलग अलग टाइप्स के बारे में। चलिए अब इस टीथ के टाइप्स में किसी एक टीथ के बारे में हम लोग देखते हैं उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। टीथ के जो डिफरेंट टाइप्स है इसके स्ट्रक्चर को हम लोग देखते हैं कि कैसा होता है इसका स्ट्रक्चर। तो टीथ का जनरली दो पार्ट होता है, पार्ट ऑफ टीथ। टीथ के दो पार्ट होते हैं, एक कहलाता है रूट। ठीक है, टीथ के जनरली दो पार्ट होते हैं, एक रूट और दूसरा होता है क्राउन, CROWN, क्राउन। रूट जो होता है वो हमारे जो मसूड़े होते हैं उसके अंदर वाले पार्ट को ग्रहण करते हैं, जो मसूड़ों से काफी गम होता है ना, गम या मसूड़ा, तो उसके नीचे उसके भीतर का जो पार्ट होता है वो रूट कहलाता है और जो पार्ट विजिबल होता है व्हाइट कलर का वो क्राउन कहलाता है। क्राउन के अंदर में, क्राउन के भीतर में बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं। अंदर में क्राउन का जो सबसे बाहरी परत होता है, सबसे आउटर लेयर होता है, वो आउटर लेयर इनामेल कहलाता है और वो इनामेल बॉडी का, हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, सबसे हार्ड पार्ट होता है। तो ये दोनों पार्ट हो गया हमारे टीथ का। तो ये टीथ का फंक्शन हम लोग एक्चुअली पढ़ रहे थे न्यूट्रिशन इन एनिमल का, ह्यूमन डाइजेशन। ह्यूमन में डाइजेशन जो होता है उसमें हेल्प करने वाले कौन कौन से ऑर्गन्स है, तो उसमें एक टीथ भी आता है। तो टीथ के बारे में हम लोगों ने इसका एक पार्ट पढ़ा है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं सबका जो टीथ का नंबर है वो अलग अलग जॉ में अलग अलग होते हैं। जैसे चलिए इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, चार तरह के, फोर टाइप्स के टीथ होते हैं। सबसे पहला हमने बताया था इंसीजर्स के बारे में, इसकी संख्या होती है 4+4 दैट मींस 8 टोटल। सेकेंड इज केनाइंस, केनाइंस इनकी संख्या होती है 2+2 दैट मींस 4। थर्ड इज प्रीमोलर्स एंड दी आर 6+6 इन ईच जॉ दैट मींस 12। एंड नेक्स्ट इज मोलर एंड द नंबर ऑफ मोलर्स इज 4+4 इट मींस 8 टोटल। इस तरह से टोटल परमानेंट टीथ जो होते हैं हमारे माउथ के अंदर उनकी संख्या होती है 32। अब आगे हम लोग देखते हैं टूथ डीके। नेक्स्ट टॉपिक है टूथ डीके। डीके मीन्स क्या होता है, डीके का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीके। डीके मीन्स होता है सड़ना, डीके होना मतलब कि सड़ जाना। आप सभी आदमी अब सीनियर क्लास में आए हैं, सेवेंथ क्लास में आए हैं, इसलिए छोटे बच्चे अब नहीं है तो आप नहीं समझे, लेकिन छोटे जब आप थे तो उस समय नहीं समझ पाते थे तो क्या करते थे, चॉकलेट के लिए परेशान करते थे, जरूरत से ज्यादा चॉकलेट खाते थे। शायद अभी भी कुछ इसमें से होंगे जो खा रहे होंगे और खाते होंगे, चॉकलेट के लिए परेशान हो। तो चॉकलेट खाने से क्या क्या हो सकता है सो देख लीजिए। टूथ डीके जो है, टूथ डीके एक हमारे माउथ का सिचुएशन है जिसमें हमारा टूथ का सिचुएशन है जिसमें टूथ के अंदर बड़े बड़े होल्स हो जाते हैं और वो होल्स टूथ, वो होल्स कैविटी कहलाते हैं। यह क्यों होता है, टूथ डीके
का मतलब होता है दांत का सड़ जाना। आखिर ये टूथ डीके क्यों होता है, तो इसके बारे में हम लोग मेन चीज जानेंगे। टूथ डीके अगर होता है, ये होता है तो क्यों होता है। टूथ डीके होने के पीछे कारण है सुगर, सुगर यानी कि मीठा, मीठा चीज, मिठाई। हम लोग जरूरत से ज्यादा जब चॉकलेट खाते हैं, या कभी चॉकलेट नहीं ही खाते तो दूसरा ही खाते हैं, तो हमारे दांतों में वो फंस जाता है। फंसने के बाद क्या होता है, हमारे दांत में जो बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया क्या करता है, उस सुगर को तोड़ता है, उस सुगर को क्या करता है, तोड़ता है, तोड़ता है, तो वह हमारे माउथ पे जमा हो जाता है प्लेक के रूप में, येलो कलर्ड प्लेक के रूप में जमा हो जाता है, सड़ाया जाता है, फूड को जो सड़ाया जाता है तो वो येलो कलर के रूप में चिपक जाते हैं हमारे दांतों पे। अगर इस प्लेक को हम ब्रश करके अगर नहीं हटाएं तो ये क्या होगा, फर्दर जब और ज्यादा जब सड़ेगा तो यह एसिड प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा, एसिड प्रोड्यूस होगा, यानी कि जो हम भोजन अगर खाते हैं वो भोजन ब्रश करके जो दांत में फंसा हुआ है उसको अगर नहीं हटाया जाए ब्रश करके, ब्रशिंग के द्वारा, तो क्या होगा, जो बैक्टीरिया है उस फूड को डिकम्पोज करेगा और उसको एसिड बना देगा वहां पे, और वो एसिड हमारे दांतों के अंदर, दांतों को, दांतों का जो ऊपरी परत है जिसको हम लोग इनामिल करते हैं, उस इनामिल को वो कोरोड कर देगा, समाप्त कर देगा। तो इस तरह से हमारे दांतों में बड़े बड़े होल्स हो जाएंगे, यानी कि इनामिल जो बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है उसको भी एसिड खराब कर सकता है, जो उसमें कैविटी बना देता है। तो इस तरह से टूथ जो है हमारा खराब हो जाता है, सड़ जाता है, वही कहलाता है टूथ डीके। अब इस टूथ डीके से बचने के लिए क्या करना होगा, तो आपने अभी कारण समझ लिया, जस्ट अभी आपने कारण पढ़ा है कि टूथ डीके क्यों होता है, क्यों होता है, तो भोजन करने के बाद अगर कोई भोजन का पार्टिकल हमारे दांत के अंदर फंसा हुआ रह जाए, उसको ब्रश के द्वारा नहीं हटाया जाए, तो क्या होगा, वो एसिड में टूटेगा और वो एसिड हमारे दांतों को खराब कर देगा। तो क्या करना होगा हमें अपने दांतों की सुरक्षा के लिए, ब्रश करना होगा, दिन में 2 बार ब्रश करना होगा, दांतों की अच्छी तरह से देखभाल करनी पड़ेगी। उसके बाद क्या करना होगा, अगर दांत में कोई चीज फंस जाता है तो हम लोग डेंटल फ्लॉस का इस्तेमाल करके, उस जहां तक ब्रश नहीं पहुंचता है तो डेंटल फ्लॉस की मदद से उसको हम लोग निकालते हैं फंसे हुए हिस्से को। उसके बाद में और भी है, हम लोग ज्यादा प्रॉब्लम होता है डॉक्टर के पास विजिट करेंगे अपने दांतों की देखभाल करने के लिए, लगभग साल में 1-2 बार डॉक्टर को जरूर चेक करवाएंगे अपने दांतों की डेंटल स्पेशलिस्ट से, ताकि हमारे दांतों में होने वाली परेशानियों को वो हटा सके। चलिए अब अगला टॉपिक हम लोग थोड़ा सा सलाइवा के बारे में पढ़ते हैं कि सलाइवा आखिर क्या होता है। हमारे माउथ के अंदर 3 pair of salivary glands होते हैं, 3 pair of salivary glands होते हैं, जो सैलिवरी ग्लैंड एक एंजाइम सीक्रेट करते हैं, जिस एंजाइम का नाम होता है सलाइवा। ये सलाइवा कुछ ऐसे एंजाइम रखते हैं जो सॉल्युबल स्टार्च को सिंपल शुगर में तोड़ने का काम करते हैं, ताकि वो इजीली डाइजेस्टिबल हो जाए। साथ ही साथ ये सलाइवा हमारे माउथ के अंदर जो फूड होता है उसको स्लीपरी बनाता है, स्लीपरी बनाता है, ताकि वो आसानी से आगे के रास्ते को कवर कर सके, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में हमने क्या क्या देखा, न्यूट्रिशन इन एनिमल के बेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट को देखा, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन का सबसे पहला हिस्सा जो माउथ के बारे में था। तो भोजन का जो, फूड का जो डाइजेशन होता है उसकी शुरुआत हमारे माउथ से होती है, और माउथ के अंदर में कौन कौन सा प्रोसेस होता है इसको हमने आपको डिटेल में बताया। अब इसके बाद में हम लोग मेन टॉपिक पढ़ेंगे ओएसोफेगस, जिसे अगला कहा जाता है फूड पाइप, जो कि नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए इतना ही, को आप ध्यान से देखेंगे, 1 बार नहीं 2 बार 3 बार देखेंगे, और रिलेटेड जो पीडीएफ दिया जाएगा उस नोट्स को आप अपने नोटबुक में
लिखेंगे, लिखने के बाद में उसको अच्छे से लर्न करेंगे। कोई प्रॉब्लम होता है तो आप अपने डाउट क्लास में रिलेटेड टीचर से पूछेंगे। ओके, थैंक यू।